रमजान का पांचवा दिन भाई, पांचवी इफ्तारी की तैयारी फिक्स्ड किचन में जारी है। पूरे दिन का सफर आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहे। हमने भी आज थोड़े बहुत पकौड़े बनाना सीख ही लिए। फिर एक भाई ने चावल और घी डोनेट करना था तो वो माशाल्लाह से रिसीव किया, दो लोडर में एक मैगी एक में चावल अपने ऑफिस पहुँचा दिया। ये पैसे जो आप देख रहे, एक रेस्टोरेंट के वेटर्स ने भेजे थे अपनी टिप। दफ्तर में ये बच्चे छोटे शहजादे आ गए और इन लोगों ने अपनी पॉकेट मनी मुझे डोनेट की कि ये आप इफ्तार दस्तरखान में ऐड करें। साथ साथ खैबर न्यूज की टीम आई थी तो उन लोगों ने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। मेन्यू में आज हमारे सबसे पहले पकौड़े तैयार हो रहे। आलू पकौड़े भी है, प्याज पकौड़े भी है, साथ में समोसे और रोल भी है। दूसरी तरफ बिरयानी पे काम चालू है। आज आलू बिरयानी मेन्यू में है, मगर जबरदस्त कबाब भी साथ साथ होगा। माशाल्लाह से आलू बिरयानी की काफी देगे तैयार होने पे आ गई है। खजूर और सारी चीजों को अच्छी तरीके से पैक कर दिया, सुजुकी में लोडिंग शुरू कर दिया। चूंकि हमारे पास सामान ज्यादा होता है तो तीन गाड़ियों में हम वहां पे पहुंचाते हैं। सारा सामान तसल्ली से लोड करने के बाद गाड़ियां निकल गई अपने सफर पे। अब हम पहुंच गए हैं दस्तरखान की जगह पे तो देगे उतारना शुरू कर दिए, टेबल वगैरह लग गए, साथ साथ कारपेट भी माशाल्लाह से रेडी है। अब हम करेंगे फूड की तकसीम। साकिब भाई लेके आया है ढेर सारा फ्रूट। फ्रूट की कटिंग तेजी से जारी है और साथ में एक गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाया तो गया, उसने दो कार्टन खजूर डोनेट किया। देखिए ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पेशावर। शरबत भी तैयार है और साथ में मेरे जवान भी खिदमत के लिए रेडी है। तो चले फिर शुरू करते हैं। इस तरह से प्लेटें तैयार हो रही जिसमें फ्रूट पकौड़े समोसे सारी चीजें ऐड है। यहाँ पर एक और भाई ने आवाज दिया तो ये सारे समोसे वो अपनी तरफ से लेके आए थे। अब फ्रूट की प्लेटें भी रेडी है और चावल भी माशाल्लाह से बड़े ट्रे में ऐड हो रहा है, तैयार है। तो तकसीम शुरू कर दिया। दस्तरखान की रौनक है माशाल्लाह से, देखे किस तरह लोग दुआएं दे रहे हमारे डोनर्स के लिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आप सब के एफर्ट्स, हमारे साथ जो डोनेशंस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। इस वक्त हमारे ऊपर लोड बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप सबसे दरख्वास्त है कि भरपूर साथ दे। हमारा साल में एक ही दफा ये मौका आता है। हमें डर है इस बात का, ऐसा ना हो कि कभी कोई आए और वो खाली पेट वापस चला जाए बगैर इफ्तारी के। देखिए ये सब मुस्तहिक है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मजे से आके एंजॉय करने के लिए आप बैठता है। ये सारे सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी रिक्शे ड्राइवरान है। जितने भाई बहन हमारा साथ देते आ रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया। सबकी डोनेशन अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये देखिए कितने बड़े तादाद में लोग बैठे हैं। आज हमारे पास चावल कम हो गया था तो फिर सामने की बिरयानी दुकान से ये देख खरीद के तकसीम किया ताकि कोई भूखा ना जाए। और अब देखे हमारे ये रजाकार बगैर कारपेट के जमीन पे बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो गया था नमाज का तो हम सब ने मिलके नमाज पढ़ी। सामान उठाना शुरू कर दिया दस्तरखान, उसके बाद ये पूरी जगह साफ भी करेंगे। मैं अपने वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूर दराज से आके खिदमत में मसरूफ होते हैं बगैर किसी लालच के मफाद के। ये एक भाई गरम गरम पराठे लेके आए हमारे रजाकारों के लिए। आने वाले मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्रोफाइल लाजमी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।